30 दिनों के अंदर अंदर जसप्रीत बुमराह ने ना 3 मेजर टाइटल्स अपने नाम पर कर लिए हैं। वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप भाई के नाम के ऊपर, टीम का पार्ट है, टीम इंडिया जीती, वर्ल्ड T20 मैन ऑफ द टूर्नामेंट या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2 अवार्ड, तीसरा आज उनको ICC ने दिया है और वो है जनाब ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए, जून के महीने में। और जून के महीने में क्या था? वर्ल्ड टी ट्वेंटी में जसप्रीत बुमराह ने क्या किया? 8 मैचेस खेले और उसमें 15 विकेट्स निकाली। 8 मैचेस में 15 विकेट्स। और सर का जो इकोनॉमी रेट है एज ए फास्ट बॉलर T20 क्रिकेट में वो है माशाल्लाह से 4 का। ये अपने हिसाब किताब में टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है T20 के अंदर इन टर्म्स ऑफ रन देने की हिसाब। मतलब यार ये वो आदमी है कि शरीफ से शरीफ बंदा गाली दे दे गुस्से में आकर, जसप्रीत बुमराह रन ना दे। ये रन देने में इसने शेखों को भी पीछे छोड़ दिया है कि शेख भी एक टाइम आता है कि जेब में से वो पैसे जो हैं वो ढीले कर ही देते हैं। जसप्रीत बुमराह कहता है भाई साहब दुनिया इधर से उधर हो जाए, कयामत पहले आ जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, रन नहीं दूंगा। और वही वाली बात है कि वो कौन सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म थी वो जिसमें कहते हैं अच्छा छोड़ के जाना मेरी लास्ट पर से गुजर जा। जसप्रीत बुमराह भी यही कहता है कि अच्छा रन चाहिए, गुजर जा फिर मेरे ऊपर से और ले ले रन, ले सकता तो, और फिर गुजरने भी नहीं देता। उसमें तो सीन में लड़की गुजर के चली गई थी तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गुस्सा आ गया और उसने वहीं पर उसे सूतना शुरू कर दिया। यहाँ पर तो ये गुजरने ही नहीं देता। जसप्रीत बुमराह इनक्रेडिबल बॉलर है यार, जितनी तारीफ की जाए कम है। मतलब देर आर सो मैनी थिंग्स के जिसके बारे में आप जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के बारे में बात कर सकते हैं। क्रंच मोमेंट्स के ऊपर ना बड़ा बड़ा बैट्समैन, बड़ा बड़ा बॉलर ये यरक जाती है। ये पाकिस्तान इंडिया का मैच फंसा हुआ है, रन अ बॉल चाहिए, विकेट्स पाकिस्तान के फेवर में है, उनके हाथ में विकेट्स हैं, रन अ बॉल चाहिए, T20 का मैच है। आपके सामने जो सिचुएशन है वो ये है कि 99% पाकिस्तान ये मैच जीता हुआ है, आपके पास 1% चांस है। ठीक, चलो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को बड़ा कर लो, 90% पाकिस्तान जीता हुआ है, 10% मैच आपके हाथ में है। आप हाथ में गेंद पकड़ते हैं, एक हाथ में आप गेंद पकड़ते हैं, उससे गेंदे करनी शुरू करते हैं, दूसरे हाथ से वो जो 10% है ना उसकी तार को खींचना शुरू कर देती हैं। वो 10 से 20 होती है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, 70, 80, 90, पता लगता है जी एंड के ऊपर जसप्रीत बुमराह साहब ने आपको मैच जितवा दिया। और वर्ल्ड T20 में ये एक मरतबा नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है कि रोहित शर्मा को विकेट चाहिए थी अगेंस्ट एनी ओपोनेंट, एनी टीम, उसने इन भाई साहब के जिसे कहते हैं तरफ बॉल फेंकी और जसप्रीत बुमराह जिनको अंडर 19 में जसप्रीत गुमराह कहा जाता था कि ये हर वक्त अपने आप में खोया रहने वाला बंदा, वो इस टाइम रूल कर रहा है वाइट बॉल क्रिकेट को भी लेकर और रेड बॉल क्रिकेट को भी लेकर। और मैकेनिज्म बॉलिंग का ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, ऐसा नहीं है कि वाइट बॉल क्रिकेट में और कुछ कर रहा है, रेड बॉल क्रिकेट में और नहीं, मैकेनिज्म भी सेम है। और इस सेम मैकेनिज्म से चीज़ें इस बॉलर एक ने इतनी मुश्किल बना दिया दुनिया के बैटर्स के लिए कि वो इसको रेड बॉल क्रिकेट में भी विकेट्स दे रही हैं, वो उसको वाइट बॉल क्रिकेट में भी विकेट्स दे रही हैं। और सोने पे सुहागा ये कि इसको रेड बॉल क्रिकेट में ज़्यादातर विकेट्स मिल रही हैं फ्लैट बैटिंग डेक्स के ऊपर, वो पिचेस के जो स्पिनर्स को फेवर करती हैं, ये भाई साहब वहाँ पर विकेट्स निकाल रहे होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, समटाइम्स 5। इससे आपको ये पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग इतनी ज़्यादा है कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग के सामने पिचेस, कंडीशंस, बैटर्स की रेप्यूटेशन, टीम की रेप्यूटेशन सब निल बटा ज़ीरो है। ये क्लियर कट जसप्रीत बुमराह के केस में पता चल जाता है। जून के महीने में जैसे मैंने आपको बताया कि 8 मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ जैसे कहते हैं कितने इसने टोटल नंबर ऑफ रन्स दिए हैं, रन्स भी कुछ ज़्यादा नहीं दिए जसप्रीत बुमराह ने, 100-150 दिए होंगे मे बी, 8 को आप कर लेना उस हिसाब से, तो ये कुछ इसने ज़्यादा रन्स भी नहीं दिए। अच्छा, ये जो रेस इसकी लगी हुई थी ICC प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर द मंथ ऑफ जून, उसमें इसके साथ दो और कंटेस्टेंट्स थे, वो कौन थे?
रोहित शर्मा, रहमानुल्लाह गुरबाज। गुरबाज ने टॉप बैटर वो रहा मेरा ख्याल है वर्ल्ड टी20 में इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स, उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। अच्छा, रोहित शर्मा आप उसकी बैटिंग उठाकर देख लें, जो कि आपको लगेगा कि शायद बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं थी, लेकिन अगर आप उसकी बैटिंग उठाकर देखें और उसका कम्बिनेशन करें उसकी कप्तानी के साथ, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं यार, रोहित शर्मा ने भी जिसे कहते हैं कि बड़ा ठीक ठाक किस्म का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो अगर इसके बीच में है तो उसकी परफॉर्मेंसेज भी समझ में आती हैं। रोहित शर्मा अगर कंटेस्टेंट है तो उसकी भी परफॉर्मेंसेज समझ में आती हैं। बाकी जो बुमराह ने कहा कि उनका स्टेटमेंट यही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, आई एम हैप्पी, जारी से बात है भाई, तीन जिसे कहते हैं टाइटल्स आपको एक महीने में मिल जाएं, वो भी वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड टाइटल्स, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पापा मुझे ही पकड़ा दें कि तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है। मैं इसकी यहाँ घर की दीवार के बाहर किसी को पता ही ना हो, घर की दीवार के बाहर जो है अफवाहें ये चल रही हों कि ये फर्रुख जो है ये तो अपना जमान साहब के घर में किराएदार है, तो ऐसे वाला टाइटल नहीं कि जिसका पता कोई नहीं किसी को, वो टाइटल कि जिसको जिसकी खबर पूरी दुनिया में है। तो तीन तो टाइटल जीत गया भैया, खुशी तो समझ में आती है। बाकी उसने कहा कि मेमोरेबल मोमेंट्स थी US और वेस्ट इंडीज़ के अंदर, वर्ल्ड टी20 जीते हों तो भैया हर चीज़ ही जिंगल आला हो जाती है, टाटा स्काई से भी ज़्यादा, वो टाटा स्काई नहीं लाइव जिंगल आला ही उससे ज़्यादा हो जाती है जब आपने वर्ल्ड टी20 जीता हो। तो उसने अपने कैप्टन रोहित शर्मा को भी कंग्रेचुलेट किया, गुरबाज को भी किया, उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेज की तारीफ भी की, प्लस उसने कहा कि मैं हम्बल हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला, फैमिली का शुक्रिया अदा किया, टीममेट्स का शुक्रिया अदा किया। तो बेस्ट विशेस टू जसप्रीत बुमराह, आगे टफ़ जिसे कहते हैं आ रहे हैं कुछ इवेंट्स, चैंपियंस ट्रॉफी कर लें, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल कर लें, तो लेट्स सी बुमराह द गुमराह ये इन इवेंट्स में क्या करता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।